Hi guys, subscribe to Consumer ABS, hit the bell icon also, don't forget to follow me on Instagram. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विक्रम प्रसाद। स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल कंज्यूमर एबीएस पे। और आप देखने वाले आज की इस वीडियो में हीरो एचएफ डीलक्स के बारे में सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। गाड़ी के फीचर्स, माइलेज, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिकेशंस। अभी आप चारों तरफ से गाड़ी का ओवरलुक ले लीजिए, आप देख लीजिए गाड़ी चारों तरफ से कैसी दिखती है। काफ़ी डिसेंट, काफ़ी सिंपल सा इसका गाड़ी का प्रोफाइल है। और इस गाड़ी का टैग लाइन है, नए इंडियन की नई बाइक, शायद इसी टाइप का कुछ टैग लाइन है इसका, जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है। ऑरेंज कलर में जो इसका, सॉरी रेड कलर में जो इसके ऑरेंज इंसर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। एचएफ डीलक्स की बैजिंग यहाँ दी गई है। पीछे के जो यहाँ सस्पेंशन दिए गए हैं एडजस्टेबल हैं। पीछे आपको बल्ब टाइप टेल लैंप मिल जाते हैं, पीछे भी आपको हीरो की बैजिंग मिलती है। ग्रैब रेल काफ़ी सॉलिड है। पीछे के जो हैं बल्ब टाइप इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाता है। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट पिलियन सीट के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ड्राइवर सीट के लिए। किक स्टार्ट गाड़ी को आप किक से ऑन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का भी फंक्शन दिया गया है। ये रही आपकी रियर ब्रेक के कंट्रोल्स, यहाँ पे रियर ब्रेक के सारे सिस्टम लगे हुए हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। 100cc सेगमेंट में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है। और आई थिंक ये थर्ड या सेकंड नंबर पे जो गाड़ी है सबसे ज़्यादा बिकने वाले इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में, वो यही गाड़ी है। और मेरे डैडी जी के पास भी यही सेम गाड़ी है, बट वो इस वाले कलर वेरियंट में है। और इस गाड़ी को मैंने टॉप स्पीड भगाया है अराउंड 95 to 100 किलोमीटर, वो भी NH में भगाया था मैंने। आप देख सकते हो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है फुल्ली एनालॉग है। स्पीडोमीटर 140 तक का स्पीड दिया गया है। हीरो की बैजिंग है यहाँ पे, इसका ट्रिप मीटर बोल सकते हो आप। यहाँ पे इसका जो फ्यूल गेज है वो भी एनालॉग है। यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेटर, स्टैंड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उसका इंडिकेटर, लाइट का इंडिकेटर। यहाँ पे इसको की इंसर्ट आपको मिल जाता है। और हैंडल बार पे भी हीरो की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। अगर लेफ्ट साइड हैंडल बार की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हॉर्न के बटन मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स, लाइट के बटन मिल जाते हैं। ये रहे क्लच के कंट्रोल्स। रियर व्यू मिरर में आप मेरे को देखोगे तो मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ये रहा एक्सेलरेटर का जो कंट्रोल, फ्रंट ब्रेक्स के कंट्रोल। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और सारे के सारे गियर्स जो हैं वो पीछे की साइड लगते हैं, आगे की ओर न्यूट्रल होता है। आप देख सकते हो गियर चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। इंजन कंपार्टमेंट काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा दिखता है। सिल्वर कलर में आपको फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे। ये चेन कवर भी सिल्वर कलर में है, अलॉय व्हील भी सिल्वर कलर में आ जाती है। ये सारे डिज़ाइन जो साड़ी गार्ड इसमें दिया गया है वो भी काफ़ी सेफ्टी के इशू में हेल्प करेगा बहुत। काफ़ी अच्छी दिख रही है गाड़ी। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में? सारी फीचर्स को मैं लिस्ट कर दूंगा, आप देख के बता सकते हो गाड़ी कैसी लग रही है। तो फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है। ये रहा इसका फ्रंट का सस्पेंशन, टायर प्रोफाइल मैंने बता दिया, अलॉय व्हील्स है फ्रंट में, ड्रम ब्रेक रियर में, ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन भी एडजस्टेबल। इंजन इसका 100cc के आसपास है और 8.34 या 8.74 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। देख सकते हो आप, ओवरलुक ले लीजिए गाड़ी का कैसी दिख रही है, कैसी लगती है आपको।
दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ दत्ता ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि हीरो की डीलरशिप है, प्रीमियम डीलरशिप है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अनूप रंजन सरकार जी को, मिस्टर बकरनाथ जी को और मिस्टर बबन डे को, जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया जब मैं वीडियो बना रहा था। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप दत्ता हीरो शोरूम में जा करके टेस्ट राइड ले सकते हैं, गाड़ी की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कर सकते हैं और वहाँ पे गाड़ी खरीद भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।